खास बातचीत में आज एक बार फिर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वही जाने पहचाने चेहरे, वही जो है वैद्य है और कहीं ना कहीं आयुर्वेद को लगातार बढ़ावा देने वाले शख्स सुनील गोयल। अक्सर आयुर्वेद को लेकर हम हर जगह पहुंचते हैं, हर जगह आपको आयुर्वेद का दम दिखाते कि आखिर वास्तव में ये आयुर्वेद में दम कितना। बीमारी चाहे छोटी हो या फिर बड़ी हो, हर बीमारी का इलाज, हर बीमारी का तोड़ इनके पास है। हर बीमारी का इलाज, हर बीमारी का तोड़ इनके पास है। अपने पास जी लकवा सर्वाइकल, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के, हर जोड़ों के दर्द का। मेरे को ये, मैं पूरे भरोसे से इनके साथ लगी हुई हूँ। जब तक वैद्य जी मेरे को ये कहेंगे ना, मैं तब तक इनके साथ, जैसे ये कहेंगे वैसे ही इनको फॉलो करके मरी यहाँ से बिल्कुल ठीक हो गए जाऊँगा। एक चीज़ और है कि हमें जो शुगर की दवाई बनाई है, पहली ही खुराक शुगर की जड़ तक काम करती है। ये पेन क्रिया के लिए है, 100% हमारी दवाई की गारंटी है। हमारी कोई भी जड़ी बूटी ऐसी नहीं है कि दो शरीर को हानि पहुंचाए। आपके हाथों का बड़ा जिक्र होता है, कहते हैं कि चमत्कारी हाथ आपके पास हैं, भगवान की कृपा है सर, और हाथ लगाते बीमारी। श्याम की कृपा है, मेरा कुछ नहीं है, वो सिर्फ श्याम की कृपा है। मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, न कोई फिजियोथेरेपी के लिए मेरे पास कोई मशीन है, कोई मशीन नहीं है। मैं बिल्कुल साधारण तरीके से, मैं भी इसको मॉडिफाई करके, नए एसी लगा के, गद्दे वाला बेड लगा के कर सकता हूँ, वही फीस बढ़ेगी। कहाँ से आए आप? जैसलमेर, राजस्थान। जैसलमेर, राजस्थान। आपके क्या लगते हैं? फादर। फादर जी, कितने समय से शिकायत? 3 महीने पहले पैरालाइज हुए थे। 3 महीने पहले? हाँ, तो राजस्थान में 2-3 वेद है, मैं वहाँ गया था, उसको कोई फर्क पड़ा नहीं। भरोसा भरोसा हुआ? भरोसा हुआ। तो पहले से आराम है काफी, 2 महीने पहले से आराम है? हाँ, भरोसा है कि वैद्य ठीक कर कि जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ, ठीक होने का गुंजाइश है। आपने अभी बताया कि मजदूरी करते हैं, कितना खर्चा ले लिया आपसे वैद्य? खर्चा तो कुछ नहीं लिया डॉक्टर साहब ने, बस गाड़िया किराया लगता मेरा ज्यादा। तो कहाँ से आए? पानीपत। पता कैसे चला आपको वैद्य? ये फोन में देखा था। फोन में देखा? हाँ। तो भरोसा हो गया पहले? फोन पे भरोसा हो गया, फोन पे लेकर आए। तो अब पूरा भरोसा है पक्का? पूरा भरोसा, जब तो लेकर आई थी। किस किस दिन कहाँ कहाँ बैठते, एक बार आपका एड्रेस भी बता दीजिए और मोबाइल नंबर, ताकि पेशेंट आपसे संपर्क कर सके। मेरा मोबाइल नंबर है 9990956309095630, और संडे को, हर संडे को इंटरवल होटल वाली गली में, रोहतक नजदीक बस अड्डा, नया बस स्टैंड दूसरे चौराहे पे ही है, 204 नंबर कोठी, श्री श्याम एक्यूप्रेशर। या गूगल मैप पे भी आप मेरा हर जगह का एक ही डाल सकते हैं, श्री श्याम एक्यूप्रेशर रोहतक, श्री श्याम एक्यूप्रेशर नांगलोई। नांगलोई में संडे को, मंगलवार को बैठते हैं। नमस्कार, स्वागत आपका रीना न्यूज 24 पर, मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी सोनिका सिंधु के साथ। खास बातचीत में आज एक बार फिर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वही जाने पहचाने चेहरे, वही जो है वैद्य है और कहीं ना कहीं आयुर्वेद को लगातार बढ़ावा देने वाले शख्स सुनील गोयत। खास बातचीत करेंगे क्योंकि अक्सर इनसे रूबरू करवाते हैं, इनके जो पेशेंट ठीक होके जाते हैं उनसे बातचीत करवाते हैं कि आखिर इतनी जल्दी इनको आराम कैसे मिलता है और क्या इनका जो प्रोसेस है। अक्सर आयुर्वेद को लेकर हम हर जगह पहुंचते हैं, हर जगह आपको आयुर्वेद का दम दिखाते हैं कि आखिर वास्तव में ही आयुर्वेद में दम कितना। और आज एक बार फिर रोहतक में मौजूद हैं डॉक्टर सुनील गोयत के साथ, वैद्य सुनील गोयत के साथ, और खास बातचीत करवाएंगे और फिर आपको जो है आयुर्वेद का दम दिखाएंगे। क्योंकि बीमारी चाहे छोटी हो या फिर बड़ी हो, हर बीमारी का इलाज, हर बीमारी का तोड़ इनके पास है। लोग यहां पर रोते रोते जरूर आते हैं, लेकिन यहां से हंसते हुए जाते हैं। ये एक इरादा, ये एक दृढ़ संकल्प वैद्य सुनील गोयत का है। खास बातचीत करेंगे वैद्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज। सर, मेरी तरफ से भी जय श्री श्याम सभी दर्शकों को। अपने पास जी लकवा सर्वाइकल, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के, हर जोड़ों के दर्द का। और मैं आज एक चीज और बताना चाहता हूँ, हम पेन थेरेपी का काम और दिल्ली के अंदर शुरू करने जा रहे हैं बहुत जल्द। आप खोल करके यहाँ रोहतक भी शुरू करेंगे, एक सेंटर रोहतक में खोलेंगे, एक दिल्ली के अंदर, अभी दो ही सेंटर खोलने की इच्छा है। उसके अंदर क्या होगा, फुल बॉडी मसाज होती है उसमें, ठीक है। पेन कहीं भी हो, बिल्कुल 100% इलाज करने की हमारी इच्छा है। और इच्छुक छात्र अगर सीखना चाहते हैं तो दिल्ली के अंदर हर सोमवार को हम एक्यूप्रेशर सिखाने के लिए, नाड़ी देखना वो सिखाने के लिए,
और मसाज के लिए सभी पांचों थेरेपियों का हम कोर्स भी करवाएंगे। यानी कि अब इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है, आयुर्वेद की जो विद्या है आप उसको घर घर पहुंचाना चाहते हैं? बिल्कुल चाहता हूं जी, हर बच्चे को इस चीज़ के बारे में होना चाहिए, हमारी योगा क्या है, हम योगा करें रोजाना। और कुछ हमारे कैंप भी लगने हैं, चूरू के अंदर लगना है कैंप, उसकी भी हम आपको डेट बता देंगे। पलवल के अंदर भी लगना है, उसकी भी डेट लगाएंगे। करनाल के अंदर भी कैंप लगना है। ये फ्री कैंप रहेंगे? हाँ जी, फ्री कैंप है, कोई फीस नहीं लगेगी वहाँ पे। अगर दवाई लेंगे तो उसका चार्ज है। वैद्य सुनील गोयत मौजूद है, कोई भी वैद्य आपको ये नहीं बताएगा कि उनकी जो है इलाज करने की प्रक्रिया क्या है, आखिर कौन सा नुस्खा उनके पास ऐसा है, कौन सा मंत्र उनके पास ऐसा है जिससे वो हर छोटी से लेकर बड़ी बीमारी को ठीक कर देते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि अगर आप सीखने के इच्छुक हैं, अगर आप आयुर्वेद को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं, तो आप हमारे पास आइए, हम आपको सिखाएंगे हर प्रक्रिया। और साथ ही समाज सेवा की बात की जाए तो उसमें भी पीछे नहीं, क्योंकि निःशुल्क कैंप भी बहुत जल्द हरियाणा की बात या फिर अन्य प्रदेशों की बात हो, जगह जगह जो इनके लगने वाले हैं, ताकि हर स्थान पर पहुंचकर वहां के लोगों को परेशान ना करके ये खुद पहुंचकर वहां पर जनता की सेवा कर सके, लोगों का उपचार कर सके। वैद्य जी पहले पेशेंट बैठे हैं, इनसे बातचीत जी आप बात कीजिए। इनके जब ये फर्स्ट टाइम में आए थे, इनको मैं आपको दिखाता हूं, ये खुद भी बता देंगे। हाँ, जब ये आए थे इनके पैर ऐसे थे, ऐसे थे जी, बाहर निकले हुए से, हाँ बाहर निकले हुए थे यहाँ से जो जोड़। और इसके अंदर क्या होता है, जब लेगामेंट हमारा लूज होता है और हमारे नीचे से ऊपर की जो हड्डी होती है, ये हड्डी आपस में टच करती है एक साइड से, अंदर की साइड में, और इधर से हड्डी में गैप जो है ना वो बढ़ जाता है। और आज जो है आप देखिए कितना फर्क है, चलने में भी कोई परेशानी। नाम क्या जी आपका? मीना। कितने दिन से वैद्य जी के पास? ये जो है ऐसे मेरे को 2 महीने हो गए। 2 महीने से चलते थे ऐसे? आप पहले चलते थे, एक बार बताओ कैसे चलते थे? पहले ऐसे ये ऐसे चला जाता था, यानी कि लचक आती थी। हाँ, लचक आती थी। अब ये है कि लचक है पर बहुत कम है। कम है? बहुत कम है। कितना रिलीफ लग रहा है आपको? रिलीफ मेरे को ये है कि 50% तो है। 50% रिलीफ? हाँ, हाँ। और आप भरोसा भी है कि जल्दी ठीक हो? भरोसा मेरे को पूरा है, अगर भाई मैं यहाँ से बिल्कुल ठीक हो गए जाऊँगी। आजकल एक जो है चला हुआ है, अगर घुटनों में समस्या हुई तो ऑपरेशन करवाइए, जो है उसको ग्रीस डाल देंगे, तरह तरीके की 100 तरीके की चीज़ें। यहाँ पे आपको जो है क्या क्या उपचार किया? मैं ऑपरेशन के लिए तो मेरे को बोल दिया था, घर वालों ने मेरे को फोर्स भी कर रहे थे, भाई ऑपरेशन करवा लो, ये रोज़ रोज़ का क्यों भुगत रहे हो जब हम करवा सकते हैं। तो पर मेरे को ये था कि मेरे को ऑपरेशन नहीं करवाना, मैंने इनकी यूट्यूब पे वीडियो देखी, तो उससे मेरे को थोड़ा ये हुआ कि भाई चल लास्ट टाइम तू ये और करवा के देख ले, उसके बाद अगर नई बात बनती है तो वो तो लास्ट ऑप्शन है, वो तो करवाना ही फिर पड़ेगा ही। तो मैं पूरे इनके पास भरोसा लेके आई थी अपना, अभी मैं अपने मैं इनसे बहुत ज़्यादा भरोसा करके तब मैं इनके पास आई। उतरे भरोसे? हाँ, मेरे को ये मैं पूरे भरोसे से इनके साथ लगी हुई हूँ, जब तक वैद्य जी मेरे को ये कहेंगे ना मैं तब तक इनके साथ, जैसे ये कहेंगे वैसे ही इनको फॉलो करके मर यहाँ से बिल्कुल ठीक हो गए जाऊँगा। कटने पिटने से बच गए? हाँ, एक लंबे समय का बेड रेस्ट हो जाता है तो। हाँ, बस उसी से बचने के लिए मैंने वैद्य जी को का सहारा लिया, वैद्य जी के सहारे से मैं मतलब ठीक हो गए जाऊँगी। अब कितना लग रहा है आपको, कितना जल्दी ठीक हो जाएंगे? मेरे को देखो अभी जो चल रहा है, पहले मेरे को रिलीफ काफ़ी आ गया था, पर जिन्होंने ये वेट वाली जो टेक्निक बताई ना उससे थोड़ा जो बढ़ा है ना, तो उससे मेरे को अभी ये लग रहा है कि टाइम लगेगा। टाइम लगेगा? हाँ। अच्छा वैद्य जी कहते हैं कि हाथों में चमत्कार है, हाथ से इलाज कर देते, तो आपका भी हाथ से ही किया? हाथ से ही किया है। और इसके अलावा कुछ नहीं? वो तो इनका भी भरोसा, मेरा भी भरोसा, भरोसे के ऊपर संसार चल रहा है। इनका भरोसा भगवान पे है, मेरा भी भगवान पे है, तो वही है करवाने वाला तो सब जी। तो YouTube पे वीडियो देख के वैद्य जी आपके पास पहुँचे और कहते हैं कि ऑपरेशन से बचने के लिए आपके पास आए थे। मैं आज एक चीज़ बताना चाहता हूँ सबको, ध्यान रखना एक चीज़ को, आप दिल से एक चीज़ को मान के देखो आप मेरी, और करके देखो आप। वैसे तो पूरे हरियाणा का पानी ही मतलब ख़राब हो चुका है, और सभी आरओ का पानी पीते हैं, उसके अंदर आयरन पूरी ऑक्सीजन न होना, बहुत से मिलर जो है ना आरओ के पानी की वजह से वो खत्म हो जाते हैं। हर घर में गंगा जल होता है, उसको सिर्फ गंगा जल समझ के ही लोग रख लेते हैं। आप उसको एक अशुद्धि समझ के एक बार सेवन करके देखिए, आपको करना क्या है उसके अंदर कि आप एक गिलास साफ मटके के अंदर आप पानी भर लो, उसमें एक गिलास
उसके अंदर पानी डाल दो गंगा जल, हाँ नए मटके में, वो चाहे फिल्टर का पानी हो कोई दिक्कत नहीं है, और उसको एक दिन ढक के रख दो, उसको यूज मत करो। फिर 24 घंटे के बाद में उस पानी को एक कैन के अंदर डालो, आप लैब में टेस्ट करवाया ना, वो प्योर गंगा जल बन जाएगा। आपकी कब्ज, पेट से संबंधित जो समस्या होती हैं वो आपकी धीरे 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 खत्म होती चले जाएंगे। शुगर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, पेनक्रिया को सुधारने में गंगा जल बहुत अहम भूमिका निभाता है। आप एक भी करके देखें, अगर आपको ये लगता है कि आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, मेरे से कॉल करें, अगर कोई आपके छू कहती है तो मेरे पास कॉल करें, हमारे नंबर ही इसमें चले रहते हैं। और एक चीज़ और है कि हमें जो शुगर की दवाई बनाई है, पहली ही खुराक शुगर की जड़ तक काम करती है, ये पेनक्रिया के लिए है, 100% हमारी दवाई की गारंटी है। अभी तक हम 3500 से ऊपर लोगों का सफल इलाज कर चुके हैं, और इसमें बहुत से लोगों की दवाई छूटी है। मैं ये गारंटी नहीं लेता कि 100 के 100 लोगों की दवाई छूट जाएगी। हमारी कोई भी जड़ी बूटी ऐसी नहीं है कि जो शरीर को हानि पहुंचाए, बिल्कुल 100% शोर है, उसमें कोई किसी चीज़ की कोई हानि नहीं है। बूटी मेरे ख्याल से पैसा प्यारा नहीं है, मुफ्त इलाज घर बैठे लोगों को बता रहे हैं। नहीं तो आजकल डॉक्टरों का एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जो डिस्कस करने के मात्र 2-3 हज़ार रुपये ले लेते हैं, और आप कहते हो कि घर में गंगा जल सबके होता है, उसको यूज़ करो, 90 बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो फिर क्या दिक्कत है, लोग ठीक होंगे तो मेरे पास पैसा अपने आप ही आ जाएगा ना, जो वो दवाएँ देंगे तो और कहीं से आएगा। जो मेरे पास आना, जो मेरे भाग्य में लिखा है ना, उस बाबा श्याम ने, उस मालिक ने लिखा है ना, हम उसका नाम लेके जा रहे। मुझे खुशी हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि गांव कुंगड़ के अंदर 12 नवंबर को 11 के दिन जेठनी ग्यास है, उसके दिन बाबा श्याम की मूर्ति की स्थापना की जाएगी, और हर 11 को मैं दवाई भी इलाज भी सब कुछ फ्री करूँ। वो उसका है, अपना है क्या, जाएगा क्या, यह कपड़ा भी नहीं रहेगा। आपके हाथों का बड़ा जिक्र होता है, कहते हैं कि चमत्कारी हाथ आपके पास हैं, भगवान की कृपा है, और हाथ लगाते बीमारी श्याम की कृपा है, मेरा कुछ नहीं है, वो सिर्फ श्याम की कृपा है। मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, न कोई फिजियोथेरेपी के लिए मेरे पास कोई मशीन है, कोई मशीन नहीं है। मैं बिल्कुल साधारण तरीके से रहता, मैं भी इसको मॉडिफाई करके न एसी लगा के गद्दे वाला बेड लगा के कर सकता हूँ, वही ये फीस बढ़ेगी। बीमारी चाहे कोई भी हो, शुगर हो या फिर बवासीर हो, पथरी हो, चाहे छोटी से लेकर बड़ी कोई भी बीमारी हो, हर बीमारी का इलाज आप, कैंसर, टीबी और भी कुछ छोटी बूटी को ऐसी बीमारियां होती हैं, देखो उनका नहीं करता, लेकिन लगभग सब बीमारी का इलाज। हार्ट से रिलेटेड बीमारियों का भी ट्रीटमेंट है? देखो है, लेकिन उसका लंबा चलता है, तो मैं इसलिए मैं थोड़ा सा रिस्क नहीं लेता, क्योंकि नशे दबाते हैं, एक्यूप्रेशर के द्वारा हर उस बीमारी का इलाज संभव है जो बीमारी शरीर के अंदर होती है। ऐसे गठिया बाग ऐसे 35 साल पुराने लकुए के लोग ठीक होके गए। ये बहन जी तो हमारे साथ थी, बातचीत करवाई हमने, इनका जो है घुटनों में दर्द था, जिसका जो 50% अभी रिलीफ बता रही हैं, अभी और पेशेंट हैं उनसे भी बातचीत करवाएंगे, और कहने के वैद्य जी हमारे साथ हैं, तो अलग अलग बीमारियों को लेकर जो रोगी यहाँ पहुँचे हैं, सभी से रूबरू करवाते हैं कि आखिर कितना रिलीफ जो है उनको हो पाया है कम समय के अंदर। तो अभी एक दूसरे पेशेंट हमारे साथ खास बातचीत में है, जिनको लकवे की शिकायत है, और यहाँ पर 3 से 4 बार आ चुके हैं, कुछ रिलीफ भी बता रहे हैं। कहाँ से आए आप? जैसलमेर, राजस्थान। जैसलमेर, राजस्थान। आपके क्या लगते हैं? फादर। फादर जी, कितने समय से शिकायत? 3 महीने पहले पैरालाइज हुए थे। 3 महीने पहले? हाँ, तो राजस्थान में 2-3 वेद है, मैं वहाँ गया था, उसमें कोई फ़र्क पड़ा नहीं, और इनका मैंने यूट्यूब पे ही देखा था, और एक दो जगह नाम सुना था, तो यहाँ कोई दिल्ली में मेरा दोस्त सबसे पता किया, तो उन्होंने बताया था, और अच्छा अच्छा रिलीफ, भरोसा हुआ है इलाज के बाद। अच्छा भरोसा हुआ है कि पहले कुछ, पहले कम था? पहले बिल्कुल था ही नहीं, क्योंकि पहले इलाज बिल्कुल भी नहीं लगा था, क्योंकि मैं 2 महीने भटक गया था उधर उधर। फिर सुनील जी के पास आया, सुनील जी ने अच्छा टिप दिया, पैर बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था, अब ठीक है, अब पैर में भी ठीक है, और बोली भी ठीक है, मुझे विश्वास है कि हाथ भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। पैर ठीक हो गया, हाथ हो जाएगा जल्दी ठीक, मुझे उम्मीद है। कितने दिन से यहाँ पे इलाज ले रहे हो आप? लगभग 4 टाइम आए हूँ। हाँ, कितने दिन में आते हैं? 15-15 दिन। 15-15 दिन, यानी कि 2 महीने के लगभग। महीने के 2। हाँ, अब इस बार 1 महीने बाद बुलाया था। तो अब कितना मानेंगे, कितना जो है इनको रिलीफ है? पैर में रिलीफ है, बोली में ठीक है, पहले बोली बिल्कुल बंद थी और पैर में बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा। तभी 2 ही मिनट के बाद बातचीत करवाते जी, नाम क्या?
बादल बादल हाँ कहाँ से आए? दिल्ली। दिल्ली से? हाँ। और वैसे रहने वाले कहाँ? इंडिया। राजस्थान से? इंडिया राजस्थान। अभी आराम है? हाँ। कितना आराम लग रहा है? ठीक है आराम। बढ़िया। आवाज भी ठीक आ रही है? अभी ठीक है। अभी आए तब तो थोड़ी कम आ रही थी। हाँ। अब खड़े हो जाओ जी। तो ये खुद चल के भी दिखा रहे हैं, अभी ताज़ा ही जो केस है और ज़्यादा समय नहीं हुआ इलाज लेते हुए, लेकिन फिर भी जो है अपने सहारे पे अभी दो लोग पकड़ के लेके आए, लेकिन अब खुद चल के दिखा रहे हैं। तो जी क्या कहें, चमत्कार कहें, आयुर्वेद का दम कहें, अभी दो लोग पकड़ के लेके आए, अभी खुद चल के जा रहे हैं। ये सिर्फ उस श्याम बाबा का आशीर्वाद है। तो ये चमत्कार हर बीमारी में देखने को, सब हर बीमारी में देखने को मिलता है। अभी देखते जाओ, अभी और आएंगे उनको देख रहा हूँ। अब तो लूज हो गया, ये तो पूरी जाम बहुत ज़बरदस्त है। अभी ये थोड़ी इतनी होगी, हाँ हाँ अभी इतनी होगी है ये, इसको इसको भी करें। अभी थोड़ा सा इसका है ना हड्डी जो है इसकी बहुत नाजुक होती है, ठीक है, धीरे धीरे बिल्कुल सीधे हो जाए। हाँ चल पड़ेगी, हाँ हो जाए। ये भी ये टिकता इसलिए नहीं है ना, क्योंकि ये मुड़ चुका है। हाँ वो मुड़ गया ना, सीधा नहीं हो पा रहा। जैसे ये उंगली है ना पूरी सीधी नहीं हो पा रही, पहले तो ये इतनी थी, कितनी जाम थी, ठीक है। अब ये देखो, ये जो दबा रहे हैं ना उसमें खून जा रहा है, इसमें धीरे 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 बिल्कुल ये सीधी हो जाएंगी और ये भी सीधा हो जाएगा। इसको अपन अभी छेड़ा ही नहीं है, क्योंकि इसको तो दबाया नहीं है अभी पैर को तो हमने, क्योंकि इसलिए नहीं दबाया कि इसके अंदर क्या था कि सोजन आने का डर था। अब ये धीरे धीरे आज करेंगे इसको। एक तो इसको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, हाथ में थोड़ा नुहलाती दर्द होता। कोई बात नहीं, जो मेरे से सहयोग होगा वो मैं करूँगा। पहले भी बोला था मैंने, तो मल्याणा बंद मत करिए, तेरे थोड़े पैसे हो ना हो मैं तो इतना कर सकता हूँ। हाँ कभी तेरे को पहले ये कहा हो भाई दवाई को नहीं दूँ पीछे नहीं है तो वो बता, मैंने कहा तू दवाई ले जा भाई, हो दे दे जी। इससे कोई अलग ये नहीं किया, ये पहले भी आपको मैंने यही बात बोली थी, पहले से तो इतनी होगी, पहले तो ये बिल्कुल ये नू थी वैसे इस हिसाब से, ठीक तो ये बिल्कुल इतनी खुल गई, इतना आराम हो रहा है। अरे ये जो जुड़ गया है इसके हाथ से सीधा है को नहीं होता, वो तो बिल्कुल सीधा है। तो एक और जो पेशेंट हमारे साथ हैं और यहाँ बुजुर्ग महिला हैं, बड़ी बात ये, अक्सर एक बात सुनते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं जिनको लकवा या फिर पैरालाइज की शिकायत होती है तो उनका इलाज हो नहीं पाता है, लेकिन यहाँ पर वैद्य जी हैं और ये बुजुर्ग हैं। उम्र कितनी माता जी? 80-85 साल। कितने दिन से समस्या? 2 साल से। कितने दिन से ले रहे हैं? इलाज तो बहुत दवाई खुवा ली मैंने, तीसरा हफ्ता है यहाँ पे, तीसरा हफ्ता हमारा आराम लग रहा है बिल्कुल। आंगली बिच नहीं रही थी, नू थी मुड़ी हुई और खुल नहीं रही थी, ये इतनी भी नू लग गई खुलने, मतलब हाँ लगभग सीधी। पैर वगैरह का? पैर में भी थोड़ा ये आराम होगा ये, हाँ तो लग रहा है कि जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ ठीक होने का गुंजाइश है। आपने अभी बताया कि मजदूरी करते हैं, कितना खर्चा ले लिया आपसे वैद्य? खर्चा तो कुछ नहीं लिया डॉक्टर साहब ने, बस गाड़िया किराया लगता मेरा ज्यादा ज्यादा, तो सबसे ज्यादा तो गाड़िया किराया। वैद्य का कोई ज्यादा मोटा खर्चा नहीं है कि बड़े हॉस्पिटलों की तरह वो किराया, वो इसका खर्चा नहीं है, वो उस चीज़ का हम नहीं करते। बाकी गाड़िया किराया लगता है, एक किराए पर बैठे हैं तो किराए बताओ सुनिश्चय। आम आदमी आके आराम से इलाज करवा सकते हैं? ये तो है। कहाँ से आए? पानीपत। पता कैसे चला आपको वैद्य जी? हमने ये फोन में देखा था। फोन में देखा? हाँ। तो भरोसा हो गया पहले? फोन तय भरोसा हो गया, हम फोन तय लेकर आए। फोन अब पूरा भरोसा है पक्का? पूरा भरोसा, जब तो लेकर आई थी माँ भी, एक बार लेकर चल वहाँ उसके दौर जाएंगे कुछ तो पता चलेगा हमने। तो मैं जब लेकर और भी कहीं लेके गए? और भी कहीं लेकर गए, बहुत सारी दुआ। क्या 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 रहा? आराम नहीं मिला बिल्कुल, जाम होगी। कितने दिन घूमे? 1 साल सारा तो खूब घूमे, 2 साल सारे हो गए इसने, ये फिर 1 साल हो गया हम खूब बैठ गए, थक कर बैठ गए। भी गरीब आदमी पैसे कहाँ तले, केला कमाने वाला गले, पीछे बच्चे भी आ रही बीमारी भी है, तो नहीं बोला मेरे बस की नहीं। मैंने कहा एक बार और दिखा ले भाई इस डॉक्टर के पास, मेरे कहे थे एक बार और ले चल, तो मेरे भाई इसके मेरे कहे थे एक बार ले आया, नहीं बोला चल तू कह रही है तो मैं एक बार ले चलूँ, नहीं मेरा ब्यों तो नहीं है। कितना खर्चा ले लिया? 1 लाख 2 लाख 3 लाख? इतना तो नहीं, फिर भी इसका जो गुजारा उन्होंने मेरे तो साफ बताया भी मेरा ब्यों तो नहीं है, गाड़िया किराया देने ने भी मैं नहीं लेकर चल सकता। मैंने कहा भाई हमने फोन पर देखा एक बार उस डॉक्टर के पास चल। वैद्य जी तो कहते कि हम तो पैसे भी नहीं मांग रहे, पहले ठीक हो जाए मरीज उसके बाद हो जाए। मखा जब हम लेकर आया माँ तू हो तो उस तक कुछ अमन कर लेंगे हम, डॉक्टर तक हाथ जोड़ कर भी हमारे पास पैसे नहीं। तो कहीं ना कहीं ये लकवे के पेशेंट हैं
इससे पहले भी हमने बातचीत करवाई किस प्रकार जो तुरंत प्रभाव से रिलीफ मिलता है, यानी कि चमत्कार को नमस्कार सब करते हैं लेकिन यहाँ पर बिल्कुल आंखों के सामने चमत्कार हो रहा है, वो भी आयुर्वेदिक पद्धति से। तो कहीं ना कहीं आप आराम से भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ना कोई चीरा फाड़ी है, ना कोई ऑपरेशन है, ना ही यहाँ पर जो है मरीजों को लूटा खसूटा जाता है, बल्कि एक आम आदमी आराम से अफोर्ड कर सकता है नाम मात्र का खर्चा और हर बीमारी का तुरंत प्रभाव से इलाज। यानी कि कोई पेशेंट अगर यहाँ पर आता है भरोसा करके तो मात्र 2 से 5 मिनट के अंदर उनको चाहे वो 1% रिलीफ मिले, 10% मिले या फिर 50% मिले, रिलीफ जरूर महसूस होगा और कहीं ना कहीं रोगी यहाँ से ये कहकर ही निकलता है कि हाँ वास्तव में ही आयुर्वेद में दम जरूर है। जी बहन जी कहाँ से है? मैं गुड़गांव से आई हूँ जी। गुड़गांव से चल के आए, कैसे पता कैसे चला? सबसे पहले तो ये जानना। यूट्यूब में देखा था जी, यूट्यूब में डाल रखा था आपने। आपके हस्बैंड को समस्या क्या है? पैरालाइज है एक साइड पूरा। हाँ जी। कितने समय से? एक साल हो गया जी। एक साल हो गया। हाँ, तो अभी तो बिना छड़ी के सहारे, बिना छड़ी के भी। हाँ, हाँ जी, डॉक्टर साहब की मेहरबानी है। ये तो शुरुआत में तब था इतना भरोसा कि कुछ हो पाएगा, तो देख के ही आए हैं। यूट्यूब में भरोसा देखा था, जब ही तो हम आए हैं हमने सब जगह इलाज करा लिया है भाई, भरोसा यहाँ भी लेके आए हैं। कितनी जगह घूमे? 2-3 जगह घूम लिया हमने, तो एक साल हो गया हमें हॉस्पिटल की दवाई लेते हुए। क्या फ़र्क था? बस कुछ भी फ़र्क नहीं लगा हमें, जब अब हमने यहाँ पे देखा है तो जब हम यहाँ पे आए हैं। बस पेन नहीं होता था, मतलब सुन रखते? हाँ सुन नहीं आए, हम पैरालाइज बहुत ज़्यादा हो गया, इनको स्ट्रोक भी हो गया था इनको। आप कौन सी बार आए हैं? दूसरे आए हैं। हाँ जी। कितना रिलीफ लग रहा है आपको? लग रहा है अभी तो कंधा अंधा हिला लेते हैं। हाँ जी। पहले नहीं? नहीं पहले नहीं हिलता था। आप लड़के हैं? क्या नाम? हर्ष। हर्ष क्या कहेंगे, कितना रिलीफ लग रहा है पिताजी को? रिलीफ तो है, देखो तभी दूसरी बार यहाँ पे आए हैं। दूसरी बार में वैद्य जी ने कहा कि बिना छड़ी के चल के दिखाएंगे, चले अभी आपके सामने ही गए थे। तो बिना लग रहा है कि हाँ वास्तव में दम आयुर्वेद में जल्दी ठीक हो जाएगा? दम तो पहली बार में पता पड़ गया था, पहली बार में पता चल गया था। हाँ, क्योंकि उन्होंने हाथ हिला दिया था तभी दोबारा लेके आए हैं, वरना क्यों लेके आते दोबारा। बट लेकिन वैद्य जी का ही भरोसा है। भरोसा है? हाँ बिल्कुल है, तभी दोबारा। क्या माने आप इसको, इलाज माने, चमत्कार माने, क्या माने? अभी श्याम बाबा का ही चमत्कार है जो इनको दे रखा है श्याम बाबा ने। और लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग जल्दी से भरोसा नहीं करते आयुर्वेद के ऊपर, पहले लेफ्ट राइट घूम फिर के लुट पीट के उसके बाद आखिरी ऑप्शन के रूप में आयुर्वेद दिखता है, फिर यहाँ पहुँचते हैं लंबे समय के बाद? हाँ नहीं, अब मैंने भी, अब पहले मैं भी नहीं करता था, एलोपैथी ही करता था, बट लेकिन अब जब सामने देखा है तो मैं भी औरों को भी रिकमेंड कर रहा हूँ। मैंने वैद्य जी के बारे में औरों को भी बताया, और लोग भी अब कह रहे हैं यहाँ पे आने के लिए। उनको बताया था कि मतलब हमारा खुद का केस था ना, हमने खुद ने देखा है। समस्या कितने दिन से थी? साल भर से हो गया। किस किस दिन कहाँ कहाँ बैठते, एक बार आपका एड्रेस भी बता दीजिए और मोबाइल नंबर, ताकि पेशेंट आपसे संपर्क कर सके। मेरा मोबाइल नंबर है 99 90 90 56 999 0 5630। ठीक है। और संडे को, हर संडे को इंटरवल होटल वाली गली में, रोहतक नज़दीक बस अड्डा नया बस स्टैंड दूसरे चौराहे पे ही है, 204 नंबर कोठी, श्री श्याम एक्यूप्रेशर। या गूगल मैप पे भी आप मेरा हर जगह का एक ही डाल सकते हैं, श्री श्याम एक्यूप्रेशर रोहतक, श्री श्याम एक्यूप्रेशर नांगलोई। नांगलोई में संडे को मंगलवार को बैठते हैं और अब 5 बजे तक बैठते हैं। ठीक है, अगले हफ्ते से 5 बजे तक बैठेंगे और 1 घंटे का बीच में 1 बजे से 2 बजे तक का अवकाश रहेगा, 3 बजे से 5 बजे तक और सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। एक बार चलते चलते फिर बता दीजिए कि किस किस बीमारी का तुरंत प्रभाव से इलाज है। हाँ मैं पहले सारा ही बता देता हूँ। मंगलवार बुधवार को दिल्ली, मंगलवार को नांगलोई, बुधवार को रोहिणी सेक्टर 21 में 10 बजे 12:30 बजे तक। अब वहाँ पे हम 4 दिन लगातार कर रहे हैं। ठीक है, और न्यू थेरेपी के मसाज, फुल बॉडी पेन मसाज सारा वो कर रहे हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ। एक वीरवार को छोड़ के एक वीरवार को जींद के अंदर अग्रवाल धर्मशाला नियर नज़दीक में, उसके दोनों साथ साथ हैं, जाट धर्मशाला के साथ में अर्बन स्टेट के अंदर, वहाँ पर हम सुबह 10 बजे से 3 बजे तक बैठते हैं। हर शुक्रवार को पानी की टंकी के पास, जिंदल पुल के पास में, पानी टंकी के अपोजिट में जिंदल पुल के पास, श्री श्याम एक्यूप्रेशर हिसार के अंदर,
हर शुक्रवार को सुबह 9 से 5 बजे तक, और पूरे दिन फीस बिल्कुल फ्री है मेरे गांव में। हर शनिवार को कोई फीस नहीं ली जाएगी, दवाई लेगा तो दवाई के पैसे लगेंगे, फीस की कोई फीस नहीं है, गांव के अंदर फ्री है। हर शनिवार को पूरे दिन 9 बजे से शाम के 7 बजे तक किसी टाइम भी आएगी। तो धन्यवाद वैद्य जी बातचीत के लिए, और आपके जो है खुद जो पेशेंट ठीक होके जा रहे हैं उनसे भी बातचीत करवाई ताकि लोगों को जो है असलियत दिखा सके। और शुगर की दवाई भाई हमारी पेनक्रिया के लिए है, स्पेशल शुगर की दवाई पेनक्रिया के लिए है। अभी तक बहुत लोगों का, हम 3,500 से अधिक लोगों को दवाई दे चुके हैं, सबको आराम है। कोई व्यक्ति इसने अभी तक हमें ये नहीं कहा कि हमें आराम नहीं है। हाँ, कोई झूठ बोल के कमेंट डाल दे जिसने मेरे से दवाई नहीं ली, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन हमने जिनको भी दिया है उसने और 10 लोगों को लेके आया है, तो आप भी ठीक हो सकते हैं शुगर से। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, रात बिल्कुल 100% हमारी दवाई की गारंटी है कि राहत पहुंचाती है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हमारे साथ वैद्य सुनील गोयत या फिर डॉक्टर सुनील गोयत लगा लीजिए, खास बातचीत में थे, इनसे बातचीत करवाए। साथ ही जो रोगी यहाँ से लगातार ट्रीटमेंट ले रहे हैं और ठीक होकर जा रहे हैं उनसे भी आपको रूबरू करवाया। अगर आपको वास्तव में ही इलाज चाहिए और बीमारी को जड़ से ख़त्म करना, तो आयुर्वेद की शरण में आना होगा, जिसका जीता जागता उदाहरण तमाम वो पेशेंट जो खुद अपनी व्यथा बता के गए पहले क्या कंडीशन थी और अब यहाँ पर 2 बार 3 बार आने के बाद कितना जो उनके हालात में सुधार है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी सोनिका सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।